हेलो एंड वेलकम टू साइंस एकेडमी बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल एंड गुड। मैं हूं आपका अपना पवन सर। आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट है, वेरी हैंडसम एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्मार्ट पर्सन फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश, मिस्टर सुंदरनाथ रावल सर। सो मोस्ट वेलकम सर। Thank you so much, sir, for inviting me here. I will definitely thank you to Science Academy and all the team members. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर। Okay, so first of all, sir, I would like to know that what is spoken English actually? Because in student life, in our professional life, spoken English is very necessary and very crucial point or important for everyone. So what is spoken English according to you? So according to me, English is not a subject and not a language. According to me, English is a skill. Because if you want to learn any kind of skill, you don't need to put any kind of pressure or load as well. So you have to feel that English is a skill, so that you can feel and you can enjoy very well about English learning or doing any kind of activity. So it's my point that English is a skill. So English is not language. It means that skill can be developed, yeah. Right? So spoken English can be developed. Yeah, definitely, sir. So what are all the basics which a student or a learner should keep in mind that he or she can easily understand or speak English? I think, sir, student don't need to stuck grammar rules. And as well, they need to speak whenever they want to speak English, like situation-based English, like talking about you, talking about situation. So they don't need to mug up any kind of grammar rules. Yeah, grammar is necessary for learning English and sometimes facing the competition exam as well. But grammar ही जरूरी है ऐसा नहीं है, अगर fundamentals को strong किया जाए और सही pattern सिखाया जाए. So I think हर बच्चा English बोल सकता है, चाहे वो फोर्थ क्लास का स्टूडेंट हो चाहे वो कोई प्रोफेशनल्स का। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, राइट? या सो हम जब भी अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में बात करते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम इंग्लिश की बात करें तो हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सर, पहली चीज तो ये है कि हम बिल्कुल ही फ्लुएंट और प्रोफेशनल होना चाहते हैं, मतलब हम गलती नहीं करना चाहते। एक कोई भी इंग्लिश नेटिव पीपल है, वो इंडिया आता है और वो टूटी फूटी हिंदी बोलता है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक स्टार्टिंग जो लर्नर होता है, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है और वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो ये कितना सही और गलत है? सर जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर, जैसे आपने अंग्रेज का एग्जाम्पल लिया, किसी ब्रिटिशर्स को अगर हम बोलता हुआ देखते हैं, क्योंकि परफेक्ट इंग्लिश कोई नहीं सीख सकता, ना ही परफेक्ट इंग्लिश को सिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक गाना है कि कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है, अगर इसको हिंदी में बात करूँ तो इसका हिंदी होता है यदापि कदापि मेरे मन में ये भाव उत्पन्न होता है। क्या हम इतना प्योर हिंदी बोलते हैं? तो हम ऐसा क्यों कल्पना करते हैं कि हम जब परफेक्ट बनेंगे तभी हम बोलना शुरू करेंगे? मेरे हिसाब से आज से ही हमें बोलना स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट ये मोबाइल है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं सिंपली बोलूंगा इसके बारे में, फीचर्स मुझे समझाने, दिस इज मोबाइल, वीवो मोबाइल, बिग स्क्रीन, 2 कैमराज, 4 GB रैम, 64 GB रोम as well, because my purpose is that to I want to explain all kind of features about this mobile. Yes, to kahin na kahin jab baat spoken english ki aati hai to career ko kaise impact karta hai ye? Career ko sir bahut impact karta hai, because english ke sath sath mein aapka personality kafi level pe improve hota hai, and definitely aaj ka competition exam ho chahe spoken english ho, there are lots of kind of ways. Agar aap job purpose se karna chahe, business skills बहुत आपकी डेवलप होती है, क्योंकि इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है, तो आपको कम्युनिकेट करने में बहुत आपको इजी फील कराता है इंग्लिश, जिससे आपके करियर के ऑप्शन बहुत अच्छे खुल जाते हैं। एक चीज़ और ये है कि सर, सही बात है, भाषाएं अलग अलग जितनी होती है कॉन्फिडेंस उतना ही होता है, लेकिन बात जब इंग्लिश की आती है तो ये कॉन्फिडेंस को काफ़ी हिट करता है कि यदि आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो यू आर कूल डूड, और आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो कहीं ना कहीं एक बच्चा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फील करता है। यहाँ पे सर मैं ये कहूँगा कि जैसे फ्लुएंट ना तो इस बच्चा कभी बोल सकता है ना कभी बोल पाएगा, क्योंकि फ्लुएंट तो हम लोग हिंदी में भी नहीं होते हैं।
रही बात सर सफोकेटेड फील करने की, तो एक टेक्निक हम जो सिखाते हैं ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेल्स में टेक्निक, जैसा भी मैंने एक मोबाइल पे एग्जांपल लिया था, बच्चे को बोलने का ट्राई करना चाहिए विदाउट ये फील किए कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात है कि अगर सामने वाला क्या सोचेगा ये आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा। जजमेंटल माइंडसेट से बचना चाहिए। नहीं सर, यहाँ पे काफ़ी लेवल पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जब हम बोलेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो वहाँ पे वो बात होगी जैसे आपने कहा कि अंधों में काणा राजा वाली बात होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली हमें उनके सामने ट्राई करनी चाहिए जिनको इंग्लिश आती है। अच्छा, क्योंकि होता क्या है सर, जिनको आप कभी भी नोट करेंगे 90% केस में ऐसा होता है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं या जो लोग इंग्लिश सिखाते हैं या जिनको इंग्लिश आती है वो कभी भी आपका मजाक नहीं बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि इंग्लिश सीखना और इंग्लिश लैंग्वेज कोई इजी लैंग्वेज नहीं है, इसको सीखने में हार्डवर्क लगता है। 90% केस में सर मजाक वो बनाएंगे जिनको ऑलरेडी खुद को इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो स्पोकन की ट्रेनिंग देते हैं जी, आपने कब से शुरू किया? सर वैसे बेसिकली तो 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में 2015 से सर मैंने बच्चों को स्पोकन सिखाना स्टार्ट किया, और पर्टिकुलर अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो हमने 13 मई 2019 से स्पोकन इंग्लिश का हमने एक ब्यावर में लार्ज स्केल पर हमने स्टार्ट किया, जो कि स्मार्ट इंग्लिश के नाम से आप सभी जानते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन और काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं। बट डेफिनेटली बता दूँ यहाँ पे मैं ऑडियंस को कि मेरा बैकग्राउंड किसी भी तरह से इंग्लिश मीडियम का नहीं रहा है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कोई डिग्री है जो कि प्रूव करे कि आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, बट स्टिल आई एम टीचिंग, बिकॉज जो मैथड्स और हम लोग फॉलो करते हैं तो यहाँ से एक लर्निंग सीखने को मिलती है कि अगर मैथड्स आपके सही हो, क्या पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है, कैसे पढ़ना है ये अगर मिल जाए तो शायद कोई भी बच्चा इंग्लिश सीख सकता है। यानी बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, कई बार ये सही भी है, और आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, बट सम हाउ धीरे 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 ऐसे माहौल में रहकर समझना सीख गए, कुछ हद तक बोलना भी सीख गए। जब बात ये आती है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फोबिया रहता है, और सर मैंने यहाँ तक देखा है, आपने भी शायद ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं इतना अच्छा इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनमें भी एक फियर जोन रहता है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, क्योंकि डर उनको ही होता है इंग्लिश का, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे सर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो स्टूडेंट, चाहे कोई भी हो, मेजर प्रॉब्लम जो आता है कि सही समय पर सही वर्ड क्लिक नहीं होता है, वोकैबुलरी प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हर 2 घंटे में एक नया वोकैब बनता है, हर साल डिक्शनरी में 4,000 नए वर्ड ऐड होते हैं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को 200 या 300 वर्ड से ऊपर उसको याद नहीं होते सर, तो ऐसे में कैसे वर्ड्स याद करें? तो इसमें वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपको वर्ड्स आ रहे हैं आप वर्ड्स टाइम टू टाइम आप सीख जाएंगे, क्योंकि लाखों वर्ड्स हैं तो सारे वर्ड्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक बेसिक वर्ड्स को रट लीजिए, जैसे कि इंग्लिश तो आप सभी को आती है, अगर मैं बात करूँ बचपन में हम बोलते थे, जैसे आज मैं बोलता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ तो हम बोलते हैं आई एम प्लेइंग, याद कीजिए बचपन में हम बोलते मम्मा आई एम खेलिंग, वो बड़े होके आई एम प्लेइंग बन गया, मम्मा आई एम खाना खाइंग, वो बड़े होके आई एम ईटिंग बन गया, आई एम ईटिंग फूड बन गया। तो क्यों हम लोग परफेक्ट बोलने पे लगे, जहाँ पे नहीं आ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ तो बोल लीजिए आई एम खाइंग फूड, उसके बाद में उसको गूगल पे जाके फाइंड कीजिए, जब अच्छा लगे उसको सेट कर दीजिए, वरना वोकैब के चक्कर में इंग्लिश को रोकना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती है, और ये तो होती रहेगी क्योंकि वोकैब रोज नए बनते हैं, आप कभी वोकैब को पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। और परफेक्ट धीरे धीरे ही बनोगे, जिस दिन ये सोचोगे कि परफेक्ट बन के ही सब कुछ करेंगे उस समय निकल चुका होगा, बहुत लंबा समय निकल जाएगा सर, क्योंकि 3 महीने में जब हम इंग्लिश सिखाते हैं 90 डेज का एक चैलेंज हम लेते हैं, उसमें भी हम स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि 90 डेज में परफेक्ट होना तय नहीं है, लेकिन 90 डेज में आप इतना कर पाओगे कि आप किसी की बात समझ पाते हो, बोल पाते हो, स्टेज पर बात कर पाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम से कम खुल जाएगा, बिकॉज जब कॉन्फिडेंस ही अगर आपका अगर मतलब बढ़ा हुआ रहेगा, ऑलरेडी आपका सब कुछ रहेगा, फोबिया आपका रहेगा नहीं, तो शायद इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी टास्क हो, कोई भी इंसान इजीली इसको कर पाएगा। और आज के टाइम में जो चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि क्या ऑनलाइन इंग्लिश सीखी जा सकती है? डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि सिर्फ आपका डिपेंड करता है इंटरेस्ट आपका, क्योंकि अगर आपका गोल है सीखने का, और कई बार क्या होता है सर बच्चों के ऊपर जो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, एक प्रेशर, एक दबाव या कोई गोल डिसाइड नहीं होता है, अगर आप ठान ले तो अगर मैं मेरी बात करूँ सर, तो मैंने YouTube देख के और ऑनलाइन से बहुत इंग्लिश अपनी इम्प्रूव की, मैं आज भी लर्निंग मोड पे हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काफ़ी रोल रहा है, सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। यस,
और एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और हमारे पास तो फिर भी एक एज क्राइटेरिया से बड़े बच्चे नहीं होते, आपके पास तो ऐसे भी होते हैं जो आपकी एज से भी बड़े होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो खुद टीचिंग कर रहे होते हैं, है ना, खुद आप कह सकते हो कि वो प्रबुद्ध जन जिसे अपन कहते हैं कि अपने अपने सब्जेक्ट की मास्टरी रखते हैं और वो जब आपसे सीखने आते हैं तो आपको क्या लगता है? डेफिनेटली सर, अगर एज के क्राइटेरिया की बात करो तो एज का क्राइटेरिया कई बार ऐसा स्टार्टिंग मोड पे लगता था कि शायद एज किसी की ज़्यादा है या बहुत छोटा स्टूडेंट है, लेकिन अगर बात करें तो अपने अपने फील्ड में सर एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपका आपका एक अलग सेक्टर है, हमारा एक अलग सेक्टर है, तो डेफिनेटली उनको फिर माइंड में ये आता है कि उनको नहीं आता या फिर कम आता तभी तो हमसे सीखना है, सही। तो इस सेक्टर के हम लोग एक्सपर्ट हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं तो हम लोग उनको सिखा सकते हैं और वो भी होना भी नहीं चाहिए। सही। ओके, सो लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट साइंस अकेडमी जावा? साइंस अकेडमी इट्स अ नाइस इंस्टीट्यूट सर, बिकॉज साइंस अकेडमी जो कर रहा है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्वालिटी के साथ साथ और देखा जाए क्वालिटी के साथ साथ जो आपने फ्री एजुकेशन का आपने जो अभी क्रांति आप रनिंग कर रहे हैं उससे बड़ा एक्साइटेड हूँ और इसी बेसिस पे मैंने आपसे कई बार मीटिंग की है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि आजकल गाँव में स्पेशली फीमेल की अगर बात करें तो वो शहर तक कई बार नहीं पहुँच पाती है, और जहाँ पर जैसे कि आपका एक टैगलाइन भी है कि जो रास्ता गांव से शहर की तरफ आता है वही रास्ता शहर से गांव की तरफ भी जाता है, तो अगर वो नहीं आ पाएंगे तो हम पहल करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब आप पहल करोगे तो दुनिया पहल करेगी, आपने पहल करना बंद कर दिया तो दुनिया आपको भूल जाएगी, तो हमें आपने पहल की, उस पहल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डेफिनेटली अगर स्मार्ट इंग्लिश या हमारा कोई भी सपोर्ट चाहिएगा तो हम डेफिनेटली सर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुंदरनाथ रावल सर, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और एक सवाल और जानना चाहूँगा जाते जाते कि मैं भी अपना एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ और बेधड़क नंबर वन अपने आप को बताता हूँ, और सुंदरनाथ रावल सर भी अपने आप को नंबर वन बताते हैं, क्यों सर ऐसा क्यों बताते हो आप? ऐसा सर इसीलिए बताते हैं कि पहले चीज़ तो जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं उन मेथड्स पे जो हम लोग सिखाते हैं, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि चाहे इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं सर, हम लोग जो टेक्निक सिखाते हैं, जो 15 मेथड्स में सिखाता हूँ सर इंग्लिश क्लास में, हमारी टीम और हम लोग जो फॉलो करते हैं वो 15 तारीख की पूरे इंडिया में आज तक किसी ने एक साथ किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में आज तक नहीं सिखाए हैं, तो वो तरीके जब बंदा फॉलो करता है, कोई भी स्टूडेंट जब फॉलो करते हैं उनको, तो हम लोग ये कहते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर ही आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, और उसमें से एक टेक्निक तो ऐसा है जिसमें मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 10 मिनट में आप मुझसे अननोन है, आज मिले नहीं मुझे, और 10 मिनट में अगर मैं आपके मुंह से इंग्लिश निकाल दूं, तो इससे अच्छा टेक्निक क्या होगा सर? विदाउट ग्रामर, और ग्रामर ज़रूरी है लेकिन बिना ग्रामर के भी बोल सकते हैं और ग्रामर के साथ भी बोल सकते हैं। रही बात साइंस अकेडमी की बात करें तो साइंस अकेडमी अपने आप में से एक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मैं क्वांटिटी की बात नहीं करूँगा क्योंकि आजकल बच्चे सर बहुत से लोगों के पास हैं, लेकिन रिजल्ट्स की बात करें क्योंकि फीडबैक स्टूडेंट्स देते हैं, आपके फीडबैक काफ़ी अच्छे थे, लास्ट में भी किसी एक अंजलि नाम से आई थिंक एक छात्रा थी, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसा शायद ब्यावर में अभी तक शायद इस बार नहीं हुआ है, तो काफ़ी ये मतलब मोटिवेट करता है लोगों को, और रिजल्ट सर स्टूडेंट देते हैं और उनके पेरेंट्स का जब फीडबैक हम लोग लेते हैं, क्योंकि ना ही आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं, ना ही हम किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनका रिजल्ट कुछ नहीं हो या मार्केट में फीडबैक अच्छा नहीं हो, तो वो फीडबैक सर मार्केट में दिखता है, हम नहीं बोलते, ये पब्लिक बोलती है सर। और ये भी बात है कि अब तक हम बोल रहे हैं, अब ज़माना बोलेगा, अब हमारा रिजल्ट बोल रहा है, जैसा कि इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड अंजलि को मिला, इंस्पायर अवार्ड मिला, गार्गी तो मिलेगा ही, और आज वो बहुत अच्छी जगह भी है, तो साइंस अकेडमी और स्मार्ट इंग्लिश अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहा है, आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और लास्ट में आप उन लर्नर्स को जो आपके पास पढ़ रहे हैं और साइंस अकेडमी आना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो 9th-10th के हैं और साइंस लेना चाहते हैं, है ना, उन बच्चों को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि आपका समय और आपका पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी आप दोबारा से अर्न कर सकते हो लेकिन आपका जो समय है वो दोबारा नहीं आएगा, सो आपको मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि स्मार्ट इंग्लिश बेस्ट है, साइंस अकेडमी बेस्ट है, आप खुद एक बार चेक कीजिए, क्योंकि कहीं और जाने से अच्छा एक बार पहले आपको चेक करना बनता है, आप 2 or 3 days की डेमो क्लासेस लीजिए, चेक कीजिए कि ऐसे क्या बैकग्राउंड्स है जिनकी वजह से साइंस अकेडमी या स्मार्ट इंग्लिश अच्छा काम कर रहा है, तो जो स्टूडेंट्स 9th-10th में हैं, आगे साइंस लेना चाहते हैं या साइंस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि एक बार आप साइंस अकेडमी ज्वाइन करके देखिए, यहाँ की डेमो क्लासेस देखिए, पवन सर से मिलिए, स्टूडेंट्स का फीडबैक लीजिए, फिर अगर आपको बेस्ट लगता है
तो उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि आप एक बड़े स्टूडेंट से आप अपना सही भला समझते हैं। एक बार किसी गलत इंस्टीट्यूट के हाथ में आप पड़ गए या फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो ये आपका टाइम जो अभी है ये आपका गोल्डन टाइम है, ये कहीं ख़राब ना हो। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर ट्राई करें 2 or 3 days की डेमो क्लासेस। सो थैंक यू वेरी मच सर बेबाकी से जवाब देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। डेफिनेटली सर, साइंस अकेडमी और स्मार्ट इंग्लिश बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे ऐसे ही हमारे साथ में, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए शिक्षा क्रांति को सपोर्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट।